जानती हो, आज जब लंबे अरसे बाद मैं इन पेड़ों से बतिया रही थी कि अचानक तुम्हारी बात चल निकली, तो ये बादल भी आसमां से उतर गपशप में शामिल होने को आ गए। तुम्हारी शरारतों की लंबी फहरिस्त जो है इनके पास, आज भी नहीं भूले हैं वे जब तुमने चोरी से आवारा उड़ते बादलों के कुछ धागे काट कर अपने लिए पोशाक बुन ली थी। कैसे सितारे सी झिलमिलाती थी तुम उस पोशाक में, और फिर एक बार जब तुमने माया पंछी के अग्नि पंख से खुद को हल्का कर रहे बादल की पीठ में इतनी तेज गुदगुदी की कि उसने अपनी सारी बिजली की कोंद पानी के साथ धरती पर गिरा दी। शर्म के मारे पीला सफेद हो गया था वो बेचारा, और एक दोपहर जब तुमने अपनी सुनहरी आठ पंखों की तितली को ले जाकर उस ऊंचे ऊंगते बादल की नाक पर बिठा दिया था, इतनी जोर से छींक आई थी उसे कि उसका पूरा का पूरा शरीर गायब हो गया था। वो पूरा दिन बेचारा बादल अपना शरीर समेटने में लगा रहा था। अपने श्वेत ड्रैगन पर सवार हो तुम रोज ऊंचा उड़ जाती और बादलों के विभिन्न समुद्रों में गोते लगाते हुए उनके साथ अटखेलियां करती रहती। वैसे तो तुम्हारी इन शरारतों की वास्तविक सूची काफी लंबी है, लेकिन उनमें से कुछ हैं जो अभी भी सबसे ऊपर हैं, और सबसे बड़ी तो वह है जब तुमने इन बादलों से शर्त लगाई थी कि बिना बरसे नीचे उतर इन पेड़ों में लिपट कर दिखाए, और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया तो तुरंत तुमने उनके ऊर्जा धागे पेड़ों के ऊर्जा धागों के साथ बांध दिए। कितने दिन लग गए थे उन्हें घने पेड़ों की उलझनों में से खुद को निकालने में। उस वक्त तुमने इनका पेड़ों के साथ जो खेल शुरू किया, सहस्त्राब्दियों के बाद भी आज भी वो जारी है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब इन बादलों को घने से घने पेड़ों में उलझकर पल में वापस निकलना आ गया है। बात बस इतनी सी है कि जब भी तुम्हारी यादों का पिटारा खुलता है, खुशियों के कुछ मोती सदैव ये प्रकृति चुरा ले जाती है। हमेशा से ही तुम इसकी सबसे प्रिय जो रही हो।